अगर आपको प्याज के पकौड़े पसंद हैं तो आप प्याज के स्टफ्ड बोंडे बनाकर ट्राई करें, ये भी आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इसमें हमने आलू की स्टफिंग को फिल किया है। आप इनको चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय करें, ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हम मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ की प्याज लेंगे, बहुत बड़ी प्याज नहीं लेंगे। प्याज को हम छील कर दो टुकड़ों में काट लेंगे। फिर हम प्याज की सारी लेयर्स निकाल के अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी प्याज को छील कर कट करके उनकी सारी लेयर्स निकाल के अलग कर लेंगे। अब हमने सारी प्याज को छील कर उनकी लेयर्स निकाल के अलग कर ली हैं। अब हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए एक कटोरी बेसन, 1/4 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को इस तरह से हाथ पर क्रश करके मिलाएंगे, 1/4 चम्मच नमक डालकर इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम बैटर में एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। बैटर एकदम बनके तैयार है, इसको अच्छे से फैट भी लिया है, तो हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएंगे, जिससे कि पकौड़े में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। यदि आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बॉयल करके मैश कर लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो। अब हम इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हमने जो प्याज की लेयर्स बनाई थी उनमें इस तरह से स्टफिंग फिल कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरी लेयर्स को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। इसी तरह से हम सारी प्याज में स्टफिंग फिल कर लेंगे, या आप इस तरह से दूसरी तरीके से भी फिलिंग कर सकते हैं। एक प्याज में अच्छे से स्टफिंग को फिल कर देंगे, इसी तरह से हम दूसरे प्याज में भी स्टफिंग को फिल कर देंगे और इनको दबाकर एक दूसरे से चिपका देंगे। इसी तरह से आप इस तरह से भी फिलिंग कर सकते हैं, आपको जो तरीका समझ में आए आप उससे स्टफिंग को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारी प्याज में स्टफिंग फिल कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा मीडियम गर्म होना चाहिए। अब हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया था उसमें हम प्याज के बोंडे को डालकर उसको अच्छे से चारों तरफ से कोट करके ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे प्याज के पकौड़ों को बेसन में डिप करके अच्छे से कोट करके ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब ये प्याज के बोंडा एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम इन्हें पलटते हुए चारों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। पकौड़ों को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए हैं और इनमें कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। हमने पकौड़ों को लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है, हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इन पकौड़ों को बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी प्याज के स्टफ्ड पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप इन्हें इवनिंग स्नैक्स या आपके घर में गेस्ट आए तब आप बनाकर एंजॉय करें, ये खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें कट करके दिखाते हैं इनमें प्याज की कितनी अच्छी लेयर बनी है। आप भी एक बार ये प्याज के स्टफ्ड पकौड़े बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।